यहाँ से NH1 जा रही है और पूरी मूवमेंट आर्मी की मूवमेंट का पता चल जाता था। पे इंडियन आर्मी ने 2.5 लाख गोले बरसाए थे पाकिस्तान आर्मी को पीछे छोड़ने के लिए। तो लेकिन इस वॉर में ना इनका कोई सपोर्ट नहीं हो पाया, इनको कोई सहायता नहीं मिल पाई। हमारे सेना की सपोर्ट करी है, ये जंग जीते और पाकिस्तानी सेना को पीछे। वेलकम बैक, मैं न्यूज़ ब्लॉग और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो कल रात हम रुके थे द्रास में, इस होटल के अंदर। और हमारा प्लान आज का ऐसा है, अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने में गाड़ी अपनी वहाँ पे लगा दी, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। तो रोहित लोग अभी गए हुए हैं अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल टॉप अप करने के लिए। तो वो लोग इंजन ऑयल डलवाएंगे, उसके बाद फिर वो लोग आएंगे। तब तक मैंने अपना सारा सामान गाड़ी में लगा के रेडी करके वहाँ रेस्टोरेंट में खड़ी कर दी थी। तो अभी जाता हूँ रेस्टोरेंट पे, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे को। तो भैया रेडी हम हो गए हैं, अब यहाँ से ना हमारा प्लान है मुस्को वैली जाने का। मुस्को वैली से आप टाइगर हिल देख सकते हो, टाइगर हिल्स के बारे में जान सकते हो। तो हमारा प्लान ऐसा है, यहाँ से चले हम मुस्को हिल और वहाँ से आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिजर्व रिपोर्ट वहाँ के बारे में कि वहाँ कल के टाइम में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो अभी हम पहुँच गए हैं मुस्को वैली के आपका रूट पे, और यहाँ से ऊपर जाके ना मुस्को वैली का रास्ता है। तो मुस्को वैली के बारे में अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जान लीजिए कि जब कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो उस समय विक्रम बत्रा की जो ग्रुप थी 0.4875 जाने के लिए यहीं से गई थी, और यहीं से आपका 4700 पॉइंट भी कैप्चर करा था। और ऐसा भी बताया जाता है ना कि यहाँ जब कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो उस समय 2 दिन के लिए परवेज मुशर्रफ यहाँ आके रुका हुआ था, और उसने यहाँ मतलब अपनी जो रणनीति थी ना कि किस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान एरिया को, कश्मीर एरिया को कब्जा करेगा, उसकी प्लानिंग ये यहाँ से कर रहे थे। लेकिन ना वो भी उनकी नाकाम हो गई थी, इंडियन बॉर्डर छोड़ के वापस पाकिस्तान भागना पड़ा। तो जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना आपका ये मुस्को वैली में, तो आपको ये वैली दिखती है, और ये वैली सबूत देती है कि उस समय आर्मी को कितनी मुश्किल पड़ती होगी अपने जंग को लड़ने में। क्योंकि आप देखोगे ना ये सामने यहाँ से NH1 जा रही है और पूरी मूवमेंट आर्मी की मूवमेंट का पता चल जाता था। और जो सामने आप वाले पहाड़ देख रहे हो, जो सामने याली रेंज है, याली पहाड़ का नाम है टोलो लिंक, और टोलो लिंक था ना जहाँ पे टोलो लिंक पे इंडियन आर्मी ने 2.5 लाख आपके गोले बरसाए थे पाकिस्तान आर्मी को पीछे छोड़ने के लिए। तो ये पहाड़ से ना पीछे की तरफ फिर पाकिस्तान आर्मी गई थी, और यहाँ से फिर मूवमेंट होते हुए आगे आपका वो जो सामने छोटी दिख रही है, यहाँ से मूवमेंट करके तो सामने छोटी दिख रही है, वहाँ पहुँच के विक्रम बत्रा ने टाइगर हिल पे कब्जा करा था और पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ा था। तो हमने एंट्री कर ली है मुस्को वैली में, मुस्को वैली और ये आखिरी गांव पड़ता है इधर का, और इसका अगर कोई भी गांव नहीं है, तो जो भी आपको लोकल्स मिलेंगे ना वो लास्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो भैया हम आ गए मुस्को वैली, और मुस्को वैली आते ना हमको एक लोगों की हेल्प करने का बड़ा मन कर गया कि आगे गाड़ी देखो कैसे खेत में गाड़ी फंस गई है। तो जाके पहले उस गाड़ी को निकालते हैं, उसके बाद फिर यहाँ के लोगों से पता करते हैं यहाँ के बारे में। भारी गाड़ी है ना, एकदम उठेगी नहीं। फाइनली हमने गाड़ी निकाल ली, हमारे हाथ लगते ना गाड़ी निकल जाती है। तो भैया अब चलते हैं आगे गांव में अंदर, और इनसे पता करते हैं यहाँ के बारे में। अगर हम टैक्सी गाँव गए थे वहाँ भी बहुत सारे लोगों से मिले, बॉर्डर के लोगों से मिले, और अभी हम आपके गांव में आ रहे हैं। चलो चलते हैं, आज हम आपके गांव में ही आए हैं, चलते हैं अंदर आइए। Thank you.
मॉस्को रहूँगा। और मॉस्को में ना इस्लाम इसलिए आए हैं क्योंकि हमको ना यहाँ की स्टोरी जाननी थी। मतलब आपको किसी भी जगह की कहानी अगर जाननी है ना, तो वहाँ आपको पहले ग्राउंड लेवल में जाना बहुत ज़रूरी है और इनर में जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ना हमने सोचा कि आज इनर में जाते हैं और कारगिल युद्ध के बारे में पूरा बात जानने के लिए हम एक गांव के अंदर घुसे, जहां से सारा कुछ आर्मी की रणनीति शुरू हुई थी, हमारी भी और पाकिस्तान की भी, क्योंकि ये वो गांव है जहां से दोनों घाटियों के बीच में पहाड़ है। और ये पहाड़, यानी आप जो मेरे पीछे पहाड़ दिख रहे हो ना, ये पहाड़ के पीछे और उसके जो पीछे जो पहाड़ है, इन पहाड़ों के बीच में गांव है। और इन पहाड़ों के बीच में ना इतनी गोला बारूद की बारिश हुई थी कि यहाँ के लोगों को डर हो गया था कि हम बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी और कैसे हम यह युद्ध झेलेंगे। वो सब जानने के लिए हम आए हैं इस गांव के अंदर। विजय दिलाने में मदद करिए। तो जब वार हुई थी ना, तो वार के समय यहाँ गाँव में कोई किसी को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुँचा, कोई शहीद नहीं हुआ। लेकिन जब वार ख़त्म हुआ था, तो उस समय एक परिवार का एक बंदा था जो इनके भाई साहब थे, उनकी कैजुअल्टी हो गई थी, उनकी एक्चुअली डेथ हो गई थी। भैया बता देंगे किस तरीके से डेथ हुई, क्या हो गया था? सर वो जब सुबह लिंक के लिए आ गए सर, तो वहाँ पर पहाड़ों में बहुत बर्फ़ रहती है, जिसकी वजह से फिसलन थी बहुत, तो वहाँ से गिर के मेरे भाई जो है वो शहीद हो गए थे। तो उसके छोटे छोटे परिवार हैं, तो एक बच्चे, एक ये उनकी लड़की है और दूसरी स्कूल गए हैं सर। दूसरी एक और थी वो भी स्कूल गई है। अच्छा, सर तो तीन बच्चे उनके और उनमें से एक बच्चे, पांच बच्चे हैं, उनमें से एक बच्ची ये है और दो बच्चे स्कूल गए हुए हैं और बाकी सर उसके लिए थोड़ा हेल्प। तो ऐसा है, वार हो जाती है और क्या कहते हैं, जिसने जहाँ जाना होता है गवर्नमेंट अपना चले जाती है, अपने वादे कर जाती है शहीदों को, गवर्नमेंट पैसे दे देती है। लेकिन जो इस वॉर में जो हेल्प करते हैं, जिनके वजह से वार जीती जाती है, जो वैसे लोग होते हैं, ये भैया लोग, तो इन भैया लोग की वजह से ना ये वार हमारी जीती गई थी और पाकिस्तान को पीछे खदेड़ा गया था। लेकिन इस वॉर में ना इनका कोई सपोर्ट नहीं हो पाया, इनको कोई सहायता नहीं मिल पाई, बस इनको बस जो पैसे मिलने थे उस समय वो मिले। उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई अवार्ड नहीं, कुछ नहीं, किसी ने एक फूल तक नहीं दिया। ये एक बात है, बहुत गलत बात है कि जिनके वजह से ये जंग जीती, जिनके वजह से सेना ऊपर तक लड़ पाई, वो सब ना इनको कुछ उसका सपोर्ट नहीं मिला। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो वहाँ तक फैलाओ जहाँ से इनको कुछ सपोर्ट मिल पाए, क्योंकि ना बिना फैलाए, बिना सपोर्ट के, हमारे सपोर्ट के, जब इन्होंने हमारी सपोर्ट करी है, हमारे सेना की सपोर्ट करी है, इस वजह से हम ये जंग जीते और पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ा। तो अब आप लोग का एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप लोग इनके लिए एक मदद करो। तो भैया आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? सर हमारे जो भी ये सर थोड़ा सा मदद कीजिए, गवर्नमेंट से हमारा थोड़ा ये रिक्वेस्ट है सर कि हमारे जितने भी ये बंदी डिलीवरी से या कोई बेरोजगार है उनको मदद पूछाने की कोशिश कीजिए सर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है। क्योंकि यहाँ ना देखो, यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ठंडे के टाइम में ना, ठंडे के टाइम यहाँ पर 6 महीना तो बिल्कुल बंद रहता है सर, ना कोई मूवमेंट रहती है, तो यहाँ बर्फ ही बर्फ रहता है और यहाँ कोई दुकान भी नहीं है, जो भी खाना वगैरह सारा जो होता है ना वो सारा कुछ बाजार से करना पड़ता है सर, पूरा 6 महीने का स्टॉक करना पड़ता है। 6 महीने का स्टॉक करने के लिए ना उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसा तभी आएगा जब इनके पास कुछ रोजगार होगा और यहाँ रोजगार के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोगों के पास रोजगार है, कुछ के पास रोजगार नहीं है। जैसे भैया को टेम्प्रेरी जॉब मिल गई थी बिजली विभाग में, तो भैया डेली बेसिस में जॉब करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को मिली है। कितने लोगों को जॉब मिली होगी यहाँ? हमारे यहाँ पर तीन बंदे हैं सर जिसको ये डिलीवरी जॉब मिली है। बस पूरे कितने लोग हैं इस गांव में? पूरे गांव में तकरीबन यहाँ पर 100 चूल्हे हैं सर तकरीबन। और कितने लोगों ने सपोर्ट करा था उस समय? उस तकरीबन जिसमें पूरे जो यंग पार्टी थी सर वो तो पूरी इस पे लगी हुई थी, घोड़ों के साथ आर्मी को ये सामान निकालने के लिए, तो ये पूरा गांव जो है, जो यंग जनरेशन थी और थोड़े से ओल्ड थे, वो सब इसी इसमें लगे थे। तो देखो इतने लोगों ने इतनी मदद करी, इतनी सहायता करी, लेकिन कितनों को सहायता मिली, कितनों को गवर्नमेंट ने यहाँ सपोर्ट दिया? बस 3 लोगों को। तो भैया ये ना एक
बहुत गलत बात है। ये तो अवार्ड मिलना चाहिए था इधर के लोगों की, इन लोगों ने इतनी हेल्प करी। जिस युद्ध को जीतना मुश्किल था उस युद्ध को जीतने में यहाँ के लोगों ने हेल्प करी। तो आप लोग का एक दायित्व बनता है कि ये मैसेज ना ऊपर तक पहुँचाओ और सबको ये फैलाओ कि भैया यहाँ के लोगों को ना एक मदद मिलनी चाहिए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ 6 महीने तक कुछ नहीं होता, 6 महीने लोग बर्फ़ में रहते हैं और 12-12 फुट तक यहाँ बर्फ़ रहती है, तो ना रोडें रहती है ना कुछ, 6 महीने तक लोगों को अपना स्टॉक करना पड़ता है। तो रोडों का भी यहाँ कुछ बनना चाहिए, रोड बननी चाहिए, दुकान बननी चाहिए, कुछ रोज़गार आने चाहिए, कुछ गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो ये मैसेज प्लीज आप लोग ऊपर तक पहुँचाएँ और यहाँ लकड़ी तक खरीदना पड़ता है सर, लकड़ी तक खरीदना पड़ता है क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। तो यहाँ ना लकड़ियाँ तक खरीदनी पड़ती है। जैसे हमारे वहाँ तो हम उत्तराखंड में रहते हैं, हमारे यहाँ लकड़ियाँ की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ लकड़ियाँ तक नहीं है। लकड़ियाँ तक लोगों को खरीद के अपने लिए 6-6 महीने तक स्टॉक करना पड़ता है। तो प्लीज़ 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 आप ये मैसेज ना ऊपर तक पहुँचाओ क्योंकि ये ना हमारे देश के वीर हैं जिन्होंने हमारे वीरों को सहायता करी थी वार जीतने में। तो ये भी वीर हैं और ऐसे वीरों का आपने हेल्प करना है। तो प्लीज़ ये मैसेज आगे तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से ना आपके आगे जो चेक पोस्ट है जहाँ लास्ट 3 किलोमीटर तक जा सकते हैं ना, वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ अगर हमको कोई मिलता है, आर्मी का कोई बंदा अगर हमको एंट्री देता है, तो कोशिश करते हैं और कुछ बता पाएँ आपको। चलते हैं आगे को। और आज ना मौसम थोड़ा सा बेईमान हो गया है और लगता नहीं है कि आज हम कहीं जा पाएंगे। कोशिश करेंगे कि सोनमार्ग तक तो पहुंच जाएं और सोनमार्ग का अपना टेंट वगैरह लगा लें क्योंकि 3 बजे तक का टाइम था हमारे पास और अभी लगभग 2 बज रहे हैं। तो 3 बजे के आज वहाँ का रोड खुल जाएगा क्योंकि फ्राइडे को ना वहाँ के रोडों का काम चलता है, इससे रोड बंद रहती है। तो हमने सोचा कि पास ही हो गाँव में जाके अपनी मोहम्मद निकाल। तो अभी क्या हुआ ना, मैं जैसे यहाँ पहुँचा मेरी क्लच वायर टूट गई और अभी मेरे को क्लच वायर लगानी पड़ेगी। अपनी सामान में लेके आया था क्लच वायर, लेके आया था तो क्लच वायर लगाते उसका फिर आगे चल जाते। तो अभी क्या हुआ, मेरे ना क्लच वायर टूट गई थी, तो क्लच वायर लगाया तो पता क्या चला, जो मुझे मनाली से क्लच वायर दी थी ना वो मुझे दे दी किसी और बाइक की, और शायद वो शायद बड़ी बाइक की थी 350 cc की, तो वो लग नहीं रही है। अब पता नहीं मैं कैसे पहुँच पाऊँगा आगे, बड़ी दिक्कत की बात हुई है। तो चलो देखते, कोशिश करते आगे तक पहुँचते, फर्स्ट गियर में चला के अगर चल जाती तो बढ़िया है, वरना भी कितना तो जुगाड़ देखना ही पड़ेगा। तो अभी ना एक जुगाड़ बना के ना जैसे तैसे ये बाइक को नीचे लेके जा रहे हैं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है भयंकर। एक मैकेनिक ने ऐसी बड़ी गलती कैसे कर दी, उसने मुझे गलत वायर दे दी और मेरा नुकसान हो गया है चक्कर में। वो तो अच्छा टूटे वायर से अभी ज्वाइंट वगैरह करके ना उसको बनाया है काम चलाने के लिए, ये भी कब तक सक्सेसफुल है पता नहीं कुछ इसका। बस यार मुझे मार्केट में ना द्रास के मार्केट में एक क्लच वायर मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे ना क्लच वायर तो मिली नहीं, जो वायर थी वो बस ये मोटी सी वायर थी जिसको यूज़ करके मैं चल रहा था। और ये भी यहाँ से देखोगे जलने लग गई हल्की हल्की क्योंकि ये ना मतलब साइलेंसर से टच हो रहा है तो वो जल रहा है। और यहाँ कहीं भी मुझे वायर नहीं मिली, तो अब ना मैं वेट कर रहा हूँ रोहित लोग का, रोहित लोग वहाँ से आएंगे और उसके बाद फिर हम चल देंगे अपने रास्ते श्रीनगर वाले। तो अगर आपने मेरा यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर जाइएगा और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।